नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक इंडियन मेकर्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उसके पहले अगर आपको ट्रैक्टर के RTO की प्रोसेस नहीं पता है तो हमने उसकी भी बारे में वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो है कि मेसी का जो 628820 HP का जो ट्रैक्टर है, भारत का पहला कॉम्पैक्ट यूटिलिटी ट्रैक्टर, उसमें स्पूल वॉल किट, MB प्लाउ किट, रिवर्सिबल प्लाउ किट या फिर पल्टीनागर किट कैसे फिट की जाती है, उसकी सेटिंग क्या होती है, उसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिए, प्रॉपर सेटिंग के साथ हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो क्या क्या प्रोसेस है, यहाँ पे वो लीवर लगेगा जिससे प्लाउ पल्टी मारेगा, MB प्लाउ, रिवर्सिबल प्लाउ आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमको इस ट्रैक्टर की ये सीट खोलनी होती है, वो प्लाउ फिट करने के लिए, वो किट फिट करने के लिए। और उसके बाद हमें डीजल टैंक भी निकालना होता है। काफ़ी लोग टायर निकाल के भी करते हैं, बहुत ही लेंदी प्रोसेस होती है, लेकिन हमने उस प्रोसेस को शॉर्ट करके किस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं वो बताया है। ट्रैक्टर की सीट निकल चुकी है, उसके लिए कुछ नट्स निकालने पड़ते हैं। हमारे आकाश मैकेनिक जो है वो काफ़ी ट्रेंड मैकेनिक है और काफ़ी अच्छे से और तेज़ी से काम करते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना अनिवार्य है ताकि आपको अच्छे से इस सेटिंग के बारे में पता चले कि फिटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि एक गलती ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट को ख़राब कर सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको RTO के प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में नहीं पता है तो उसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे भी ज़रूर चेक कीजिए। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेसी 628 ये काफ़ी बेहतरीन ऐसा ट्रैक्टर है, भारत का पहला कॉम्पैक्ट यूटिलिटी ट्रैक्टर है। क्या आपको पता है कि कॉम्पैक्ट यूटिलिटी ट्रैक्टर क्या होता है? अगर पता है तो हमें कमेंट द्वारा बताइए, अगर नहीं पता है तो हम उसके बारे में ज़रूर वीडियो बताएंगे, तो आप भी उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। आप ये जो देख रहे हैं वहाँ से इंजन ऑयल डाला जाता है, काफ़ी बेहतरीन ये ट्रैक्टर है। देखिए, ये निकालना पड़ता है, ये जो रेड पट्टी यहाँ पर लगी हुई है उसको भी निकालना पड़ता है। अभी देखिए कि ये पीछे का हिस्सा, डीजल टैंक खोलने के लिए भी यहाँ से नट वगैरह निकालने पड़ेंगे। तो प्रोसेस चालू है, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने इस वीडियो में प्रोसेस बताई हुई है कि कैसे आप इसमें स्पूल वॉल किट, MB प्लाउ किट, रिवर्सिबल प्लाउ किट, पल्टीनागर किट कैसे फिट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, हमारे चैनल टेक इंडियन को मेकर्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए।
स्टड निकाल रहे हैं और ये है वो यूनिट्स, पूल वॉल किट यूनिट। उसको अभी फिट करना है काफ़ी प्रॉपरली और अच्छी तरीके से फिट करना होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती उस पूरे यूनिट को डैमेज कर सकती है। 7 से 10 हज़ार के बीच में ये यूनिट आता है, तो काफ़ी आपको ट्रेंड मैकेनिक से ये प्रोसेस करानी होती है। हमारे आकाश मिस्त्री काफ़ी ट्रेंड ऐसे मैकेनिक है, तो आप देखिए कि कैसे वो स्पूल वॉल किट यहाँ पे फिट कर रहे हैं। हमारे चैनल टेक इंडियन मेकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए ताकि आप इस वीडियो से अच्छी जानकारी ले सके और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सके कि ट्रैक्टर की जो ये MB प्लाउ किट है, स्पूल वॉल किट है 60-28 की, उसकी फिटिंग एंड सेटिंग कैसे की जाती है ताकि प्लाउ जो रिवर्सिबल प्लाउ है प्रॉपरली वर्क करे। तो देखिए जो यूनिट हमने निकाला था स्पूल वॉल के पहले, वो फिर से यहाँ पे हम अटैच करने जा रहे हैं। ये किट के साथ आता है, तो वो किट के साथ उसकी फिटिंग करनी होती है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। धन्यवाद।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्पूल वॉल किट पूरी तरीके से यहाँ पे फिट हो चुकी है, अडैप्टर्स भी लग चुके हैं जिनसे ट्रॉली या फिर प्लाऊ का कनेक्शन जिसके साथ जोड़ा जाता है वो अडैप्टर डिस्ट्रीब्यूटर जिसे हम कहते हैं वो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। और देखिए वो हैंडल भी लग चुका है और पूरा स्पूल वॉल किट फिट हो चुका है, अभी फाइनल टेस्टिंग बाकी है। जी हाँ, टेस्टिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए ट्रैक्टर शुरू हो चुका है और वहाँ पे वो पेचकस लेके वहाँ पे देख रहे कि देखिए आइल आ चुका है, मतलब किट प्रॉपरली फिट हो चुकी है। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट द्वारा बताइए, इस सेटिंग को अच्छे तरीके से वीडियो को देख लीजिए और जिससे आप भी ये किट अच्छे से प्रॉपरली फिट कर सके। आप हमारे चैनल टेक इंडियन मेकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम यहाँ पे ट्रैक्टर्स और ट्रैक्टर्स के डेमो देते हैं, ट्रैक्टर्स के रिव्यू करते हैं, ट्रैक्टर्स के इम्प्लीमेंट के बारे में भी बताते हैं। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। देखिए अभी ये एम्बलम जो लगाना ज़रूरी होता है उसके पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए और फिर एम्बलम लगाना होता है जो कि डायरेक्शन दिखाता है प्लाऊ के हैंडल का, लीवर का जिसे हम कहते हैं। तो आपको मैं सोचता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।